हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? गर्लफ्रेंड को शादी के लिए राजी कैसे करें, गर्लफ्रेंड को शादी के लिए कैसे मनाएं, जिसे कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे शादी करने के लिए मान जाए, तैयार हो जाए। मेरे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई कोई एक ऐसी वीडियो बनाओ जिससे कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है, जो पार्टनर है, वो शादी के लिए तैयार हो जाए, मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। तो लो भाई, आपके लिए ये वीडियो आ चुकी है जो कि 16 तारीख में ही आने वाली थी, बट किसी कारण बस नहीं आ पाई। कारण यही था कि मेरा जो सेहत है वो थोड़े मेरी सेहत सही नहीं थी, उसी के कारण ये वीडियो आ नहीं पाई थी। ठीक है, तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है मन ही मन शादी का अनुमान लगाना। गाइस कई बार क्या होता है ना कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं, जब रिलेशनशिप आपका बनता है, जब से आप बात करते हो अपने पार्टनर से, तो आप अपनी पार्टनर से, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी के बारे में कभी बात नहीं किए रहते हैं। और कुछ टाइम बीत जाने के बाद आपको ये लगने लगता है कि ये जो मेरी पार्टनर है वो बिल्कुल परफेक्ट है मुझसे शादी के लिए, मेरे शादी के लिए, यानी मेरे लिए एक सही लड़की है, वो मेरे साथ अच्छे से रह पाएगी, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं कि मैं इसे शादी करूँगा, और ये सारी बातें अपने पार्टनर से नहीं कहते हैं कि आप मुझसे शादी करोगी चाहे कुछ भी। और कोई लोग बात कर भी लेते हैं तो क्लियरली बात नहीं कर पाते हैं। तो पहले आप अपने पार्टनर से क्लियरली खुल के बात कर लो कि आप मुझसे शादी करोगे, तभी मैं आपसे बात करूंगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं कोई टाइम पास नहीं हूं। तो आपकी पार्टनर हाँ करे तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करें, बस आपको खुल के बात कर लेना है। पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मन ही मन ये ना सोचे, मन ही मन शादी का अनुमान खुद से ना लगाए कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है, जो मेरी पार्टनर है, वो मुझसे ही शादी करेगी। इसीलिए सबसे पहले आप अपनी गर्लफ्रेंड से खुल के बात कर लें कि वो आपसे ही तो शादी करेगी, अपने मन से ही ना सोच के बैठे कि जो मेरी पार्टनर है वो मुझसे ही शादी करेगी। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड से खुल के बात कर लेना है। एंड गाइस सेकेंड पॉइंट है, गर्लफ्रेंड के ना का मतलब समझें, गर्लफ्रेंड के ना का मतलब समझें। अगर आपकी पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे शादी के लिए मना कर रही है, अगर आप ये सारी बातें कर लेते हैं और आप खुल के बात कर लेते हैं, तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो मना करती है कि नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी, बस जितना हम लोगों का बात है बस इतना ही है, हम लोगों का रिलेशनशिप बस शादी से पहले ही चल सकता है और मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। तो गर्लफ्रेंड के ना का मतलब समझें कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है क्यों मना कर रही है, क्या उसका रीजन हो सकता है। तो इस बातों को बहुत ही गौर से समझें कि आपकी जो पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, वो किस रीजन से आपको, आपसे शादी के लिए मना कर रही है। एंड गाइस थर्ड पॉइंट है समाज और परिवार को लेकर घबराना। कई बार क्या होता है, गर्लफ्रेंड के ना का मतलब समझे, यही है कि समाज और परिवार को लेकर घबराना। कई बार गर्लफ्रेंड के दिल में, गर्लफ्रेंड के दिमाग में ये डर बना रहता है कि जो मेरी फैमिली है, जो मेरा परिवार है और जो समाज है, अगर मैं लव मैरिज के लिए अपने घर वालों से कहूंगी, क्या वो मान जाएंगे, क्या मेरे जो भैया हैं वो मुझसे रूठ जाएंगे, मेरा जो भाई है वो मुझसे रूठ जाएगा, मेरे जो फादर हैं, मेरे जो पिता हैं, वो क्या मानेंगे। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा वो परेशान रहती हैं और समाज से तो बहुत ज़्यादा घबराती हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं घर पे शादी के लिए बोलती हूँ और अगर घर वाले नहीं माने और कहीं बात इधर उधर फैल गई तो मेरी क्या इज्जत होगी, चाहे मेरे परिवार वालों की इंसल्ट होगी। तो यही सोचकर लड़की ज़्यादातर घबराती है, समाज और परिवार को लेकर घबराना इसीलिए उसके माइंड में बना रहता है कि यार मैं अगर शादी करती हूँ तो समाज और परिवार पे क्या फर्क आएगा, इंसल्ट होगी, मेरे परिवार का इंसल्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो गर्लफ्रेंड है ये सोचने लगती है। ज़्यादातर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने पार्टनर के अंदर विश्वास बनाएं, अपना विश्वास बनाएं, उसे विश्वास दिलाएं, पूरा भरोसा रखें आप अपने पार्टनर पे। एंड आपके पार्टनर को भी आप पे पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसके माइंड में डर ना पैदा करें, ना ही टेंशन पैदा करें, वो आपको एक सही और नेक इंसान समझे और वो आपको परफेक्ट चॉइस माने अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, जिससे कि वो शादी के लिए हाँ कर दे। ठीक है, तो एंड गाइस लास्ट पॉइंट है पढ़ाई और नौकरी छूटने का डर तो नहीं, कहीं आपकी गर्लफ्रेंड के अंदर पढ़ाई और नौकरी छूटने का डर तो नहीं है, कहीं आपकी पार्टनर जो है वो स्टडी तो नहीं कर रही है, किसी चीज़ की तैयारी तो नहीं कर रही है, वो अपने लाइफ में कुछ पाना तो नहीं चाहती है, कोई नौकरी तो नहीं करना चाहती है, या फिर वो कोई जॉब कर रही है जिससे वो ये डर रही हो कि कहीं मैं आपसे शादी कर लूँ, लव मैरिज कर लूँ, शादी कर लूँ, उसके बाद जो है
उसकी नौकरी और स्टडी पढ़ाई उसका गोल सारा कुछ छूट जाए, तो इस चीज का विश्वास दिलाए कि आपके स्टडी में ना ही कोई रुकावट आएगा, ना ही आपके कोई पढ़ाई मतलब कि ना ही कोई जॉब में, तो आप इस चीज का भी विश्वास दिलाएं अपने पार्टनर को। और ज्यादातर आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी पार्टनर आपको बिल्कुल परफेक्ट इंसान अपनी परफेक्ट चॉइस समझे। ज़्यादातर आप अपने गर्लफ्रेंड के लिए अच्छा बनने की कोशिश करें। आप किसी भी प्रकार का उसके मन में डर ना पैदा करें, ना ही किसी प्रकार का उसके मन में शक पैदा हो आपके प्रति, जिससे कि उसका विश्वास एंड बिलीव भरोसा टूटे। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, अपने पार्टनर को विश्वास दिला पाएंगे। आपकी पार्टनर 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी पार्टनर आपसे शादी करेगी। एंड आपके मन में कोई भी डाउट हो कि लव मैरिज के लिए फैमिली वालों को कैसे मनाएं, अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं, कैसे राजी करें, तो ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है। अगर आपका कॉमेंट आया तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि अपने फैमिली वालों को अपने पेरेंट्स को कैसे राजी करें, एंड लड़की वाले के पेरेंट्स को फादर्स को उनके भाई को कैसे मनाए, एंड अपने फैमिली वालों को कैसे मनाए, इस पर भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिससे कि मैं 100% इसकी गारंटी देता हूं कि जो पेरेंट्स हैं आपके वो पेरेंट्स हैं आपके वो मान जाएंगे 100%। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, एंड मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।